हेलो दोस्तों, देखो आज ये हमारे पास बाइक आई है यामा वालों की फेजर, जो जैसा कि आप देख रहे हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटिया कंपनी की क्वालिटी दे रही है। देखो आपके सामने चेचिस है ये सामने, और ये चेचिस बिल्कुल क्रैक हो रखी है, और इतनी हल्की चेचिस है ये बहुत ज़्यादा। इसका लोहा इतना हल्का है बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मली गाड़ी नई होती है उसके बाद भी टूटना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होती है। ये तो गाड़ी नई है और आपके सामने ज़्यादा चली भी नहीं है, और ज़्यादा पुरानी भी गाड़ी नहीं है, और इतनी जल्दी चेचिस टूट गई है। कस्टमर जो है उसका एक्सीडेंट होने से बच गया है इसका। कंपनी वाले को सोचना चाहिए, इतना पैसा ले रही है, कम से कम थोड़ी सी क्वालिटी तो हैवी थे। जहाँ तक कि देखा जाए चेचिस का सवाल है, तो चेचिस को काफ़ी ज़्यादा मोटा और हैवी करना चाहिए, ताकि चेचिस को टूटने का डर ना रहे, चेचिस में टूटे ना। तो दोस्तों मैं बस यही बताना चाह रहा था, अपनी गाड़ी की क्वालिटी, जो आप गाड़ी ले रहे हो उसकी क्वालिटी पहले चेक करो, उसकी डेप्थ में जाओ, ऊपर ही दिखावे में मत जाओ। गाड़ी के अंदर बहुत कम क्वालिटी आ रही है आज की डेट में।